हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपके एजुकेशन से प्लेटफॉर्म पे चल रही शोर है, तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन है, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज जो अकाउंट से यार टफेस्ट है यार, बहुत टफ है, बहुत टफ है। करने के लिए बहुत ईजी होगा, सामने बुक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए, राइट है? तो चलो फिर आ जाओ लेक्चर में आ जाओ। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑल थ्योरी पार्ट्स जो थे हमने वहां पे कवर किया था कि बैक रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, चीजें कहां से कहां जाती है, चीजें क्या से क्या होती है, ये हमने वहां पे सीखा था। अब करने वाले हैं सम। सम में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सम करने वाले। जो सम हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, बोला है 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शोड अ बैलेंस ऑफ 57,400। ठीक है, अब अरविंद का जो कैश बुक है वो बोल रहा है कि भाई 57,400 आपके पास है, पैसा है, सिंपल है। बट क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंस आपकी कैश बुक और पासबुक में, मतलब कैश बुक में तो अलग अमाउंट दिख रहा है और पासबुक में भी क्या अलग अमाउंट दिख रहा है, मतलब दोनों मैच नहीं हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। दोनों क्या है, डिफरेंस है। अमाउंट क्या है, डिफरेंस है। अब क्यों डिफरेंस है, कहां डिफरेंस है, चेक करना होगा। अभी आप पासबुक भी लोगे और कैश बुक भी लोगे, अब दोनों को आप चेक करो क्योंकि भाई गड़बड़ किधर हुआ है, गड़बड़ किधर हुआ है, आपको क्या करना है, चेक करना है, सिंपल है। अब सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास कुछ कुछ, अब जो भी आप ट्रांजेक्शन किए रहेंगे, जो आपने ट्रांजेक्शन किया होगा अपने अकाउंट्स में, वो आपने लिखा है कि भाई मैंने ये ट्रांजेक्शन किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऑलमोस्ट ये किया, ये किया, ठीक है। और प्रिपेयर क्या, आपने को बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जिसका फॉर्मेट आप सभी को पता है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है, ये पूरा वर्टिकल रहता है, पूरा वर्टिकल ऑफ में रहता है, ठीक है, अमाउंट अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे लेस, पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद में आपको लेस करना है, ठीक है। बैंक रिकंसिलाइजेशन में ऐसा होता है, अब कैसे क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा एक एक सम देखने के बाद। अब सबसे पहले आपके पास कैश बुक में कितना पैसा था, सबसे पहले आपके कैश बुक में 57,400 था। अब सबसे पहले कैश बुक में कितना पैसा है, 57,400 डायरेक्ट बाहर के कॉलम में। अब इनर के कॉलम में सिर्फ प्लस करोगे, अब इसका एक ही अमाउंट है, इसके डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखा, अंदर के कॉलम में लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि एक ही था। अब जितना अंदर रहेगा वो इनर कॉलम में लिखना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए बोला चेक ऑफ 6,350 6,350 डिपोजिट इन टू द बैंक बट वॉज नॉट इट कलेक्टेड बाय बैंक। अभी आपने किसी को चेक दे दिया है बट अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। अभी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा कि भाई मैंने सामने वाले को इतना का चेक दे दिया बट बैंक के पास वो चेक अभी तक जमा ही नहीं हुआ है। जब बैंक के पास से जमा नहीं होगा तो बैंक से पैसा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बैंक कटेगा नहीं कटेगा, डिडक्ट होगा नहीं होगा, तो लेस नहीं होगा, तो लेस में करना है। अब यहाँ पे लेस नहीं होगा तो आपको लेस में करना है क्योंकि यहाँ पे बैंक से लेस होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, तो नंबर डालना है 1, लिखना है चेक डिपोजिटेड बट बैंक नॉट इट, क्या लिखा, बैंक नॉट इट, ठीक है, कलेक्टेड, बैंक नॉट इट कलेक्टेड लिख दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, बैंक ने कलेक्ट अभी तक नहीं किया है, कितने का बच्चों चेक है, 6,350 का चेक है, तो 6,350 लिख दिया मैंने, सिंपल है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700। बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है कितना, 9,700 बिल भरा है बैंक ने, ठीक है। अब बैंक ने यहाँ पे किया है, अब बैंक ने जब अगर पे किया है बट वो क्या, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। बैंक ने पेड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल था बच्चों ये क्या क्या बैंक ने पे कर दिया है बट आपके कैश बुक में क्या हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब कैश बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना भाई, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया आपने। अभी कैश बुक में बोलो आपका कैश बुक कितना है, 50,000 का है, बट आपने अगर 10,000 उसमें ऐड नहीं किया है तो वो 60,000 होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, तो वहां से आपको क्या करना, लेस करना पड़ेगा ना बैंक से, तो बैंक से डिडक्ट हो गया, बैंक से कट गया है
क्योंकि बैंक ने पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना लेस, तो बैंक से क्या होगा, लेस होगा। तो चलो लेस में लिखेंगे दो, दो नंबर क्या लिखेंगे, बैंक पेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जो लेस वाला सिस्टम होता है वो पूरा बैंक का होता है, लेस वाला जितना सिस्टम है वो क्या है, पूरे बैंक का सिस्टम है, पूरे आपके बैंक है, आपके बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो, और जो ऊपर है वो हो गया आपका कैश, मतलब कि कैश बुक किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, वो आपको उसमें देखने मिलेगा, सिंपल है। अब यहां पे देखिए ये वाला भी हो गया, अब क्या बोला, चेक इशू टूवर्ड सप्लायर्स 15,100 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च 2019। अब चिंटी ने चिंटू, चिंटू ने चिंटी को चेक दिया, ठीक है, अब चेक तो दिया, बट चिंटी ने क्या किया, चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, 31 मार्च जाने के बाद भी वो चेक अपने पास रखी है, डिपॉजिट नहीं किए, तो बैंक से पैसा कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा। यहां पे क्या बोला गया है कि जो बैंक जो चेक है वो इशू किया गया आपके सप्लायर्स को, कितने का, 15,100 का, वाज नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट ऑफ 31 मार्च। अब 31 मार्च तक आपका पैसा क्या हुआ है, कटा ही नहीं है, अभी कैशबुक में आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया है कि आपकी पैसा कटा हुआ है, अभी तक कटा नहीं है, जब कटेगा तो आप कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे ना बच्चों, जब नहीं कटा है तो आप रिकॉर्ड करोगे कैशबुक में नहीं, मगर आपको कैशबुक में शो करना पड़ेगा ना कि अभी तक पैसा नहीं कटा है, तो कहां करेंगे, आपके ऊपर वाले में, कहां करेंगे, एड वाले में, ठीक है। चलो तो यहां पे एड लिखेंगे पहले, चलो एड, उससे पहले क्या लिखेंगे, अपना ऊपर क्या था, बैलेंस, ये क्या था हमारा बैलेंस एज पर कैशबुक था, कैशबुक का बैलेंस है हमारा जो हमने वहां पे लिखा है आउटर कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड, ऐड में पहला क्या ऐड करेंगे आप, कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना आपके कैश कॉलम में, तो यहाँ पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चेक वाज इशू, क्या लिखा मैंने, चेक वाज इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए, बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक तो इशू किया बट वो प्रेजेंट नहीं है वो पेमेंट लेने के लिए, तो पेमेंट लेगा नहीं तो हमारे पास दिखेगा ना, हमको शो करना पड़ेगा कि हमारे कैशबुक में इतना पैसा है भाई, उसने पैसा नहीं लिया है 15,100 रुपया, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 वॉज कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अभी जो 8,800 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट था 8,800 जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, बट आपने कैशबुक में रिकॉर्ड किया है नहीं के रिकॉर्ड किया है, तो जो ऊपर का होता है वो कैशबुक होता है, आप कैशबुक में रिकॉर्ड करना मतलब ऐड करना होगा, रिकॉर्ड करना है तो ऐड करना होगा बच्चों, ऐड करेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने कैशबुक में क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ये वन टाइप ऑफ कैशबुक है, ठीक है। अब कितने का अमाउंट था बच्चों, 8,800 का अमाउंट था, तो मैंने लिखा 8,800 यार मेंशन हियर, ओके। देन कम्स ऑन द क्वेश्चन, फिर क्या बोला गया आफ्टर कि बैंक चार्जेस 650 वाज डेबिटेड इन पासबुक। अब जो बैंक चार्जेस था वो क्या हो गया, डेबिट हो गया है, पासबुक का पैसा क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, मतलब पैसा क्या हो गया, कट गया है। देखिए जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपको एक मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड, मतलब कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये बैंक का उल्टा है। अभी अपने पास से कुछ जाएगा तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास से कुछ सामान गया है, बट बैंक अगर अपने पास पैसा आ रहा है तो अपने पास डेबिट होना चाहिए, बगैर अपने पास क्या दिखता है, क्रेडिट दिखता है, क्योंकि बैंक का उल्टा है, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास से पैसा जा रहा है अपने पास आ रहा है, तो बैंक अपना दिखाती है जबकि अपना नहीं दिखता है, ओके।
अगर आपने किधर स्कैन करो आपको पता है किधर आपने बारकोड स्कैन किया, आप किसी को पैसा पे करते हो तो दिखता है ना योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड हाउ मच मनी, ठीक है, जितना मनी आप करोगे उतना मनी दिखता है, मतलब डेबिट होता है। तो बैंक का अलग है और अपना कुछ थिंकिंग अलग है, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बैंक का चार्ज क्या हुआ, डेबिट हो गया मतलब कट गया है। अब बैंक का पैसा कटा है तो बैंक में दिखाना पड़ेगा ना आपको, लेस में दिखाना पड़ेगा, कि पैसा कटा है तो लेस होगा ना, पैसा कटा है तो लेस होगा, सिंपल सी बात है। तो लेस में करना है, लेस नंबर में थ्री। अब यहाँ पे पैसा क्या हुआ है, कटा है, कितना कटा है, बैंक चार्जेस वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली, कितना है बच्चों, कितना पैसा है, 650। तो यहाँ पे लिखना है 650, चलो लिखेंगे हम लोग 650, ठीक है। उसके पहले ऊपर था 9,700 था इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं लिखना भूल गया था तो मैंने वो भी क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलो अब लास्ट वन क्या बोला गया, देखिए, मिस्टर तन्मय आवर डेटर डायरेक्टली डिपोजिटेड 12,000 इंटू अवर बैंक अकाउंट 128 मार्च 2019 विच वॉज इंटरेड इन, विच वॉज नॉट इंटरेड इन कैश बुक। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो डेटर था जिससे आपको पैसा मिलने वाला था उसने क्या किया, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा लगा दिया है, उसको आपने क्या किया, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे लेस होगा कि ऐड होगा। अरे सिंपल सी बात है ना बच्चों, ऐड होगा ना, क्योंकि आपका जो डेटर था जिससे आपको पैसा मिलने वाला था वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे हम लोग, चलो तो ऐड करेंगे थ्री नंबर, यहाँ पे हम लोग लेंगे थ्री नंबर, थ्री में क्या होगा, डायरेक्ट डिपोजिटेड लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट मैड बाय कौन 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 पे किया है, आपका डेटर पे किया है, क्या डेटर, मैड बाय डेटर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, तो मैं रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है हमको, 12,000 रिकॉर्ड करना है, कितना 12,000 रुपये हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखिए हमारे पास 57400 का अमाउंट था, बट इतना चीजें हम भूल गए थे, इतना चीज हमने क्या किया, याद ही नहीं था हमें, तो अब इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे 15,100, 8,800 और 12,000, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 35,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलो अब इसको कैलसी करेंगे हम लोग फटाक से। चलो पहला है 15,100 प्लस, फिर कितना है 8,800 प्लस, फिर कितना है 12,000, कितना हो गया 35,900। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको कैलकुलेशन करने के लिए 35,900, कितना हो गया 35,900, ठीक है। मतलब कि मेरे पास कैश बैलेंस इतना शो कर रहा था, बट आप कितना करेगा, आप दोनों को जब ऐड करेंगे, आप जब दोनों को ये ऐड करेंगे तो 93,000 कितना करेगा, 57,400 प्लस 35,000, 93,300। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दिखेगा 93,300, मतलब ये कैश कॉलम आपका इतने से क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब लेस वाला देखना है, जब ये आप लेस वाला करेंगे, पहला कितना है 6,350 प्लस 9,700 प्लस 650, कितना हो गया आपका बच्चों, ये हो गया 16,700, 16,700। अब जब आप लेस करेंगे 93,300 माइनस 16,700, तो कितना बचेगा आपका 76,600, कितना बचेगा 76,600। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैंक बैलेंस, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका बैंक बैलेंस एज पर किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से ये बैंक बैलेंस होना चाहिए पासबुक में आपके, ये होना चाहिए कितना 76,600। एक बार रिवीजन करेंगे फटाक से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो चेक ऑफ 6,350 डिपोजिट टू द बैंक बट वॉज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, अब बैंक ने अगर कलेक्ट नहीं किया तो आपके पास से ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा ना भाई, कलेक्ट नहीं किया पैसा गया ही नहीं है तो मेरे पास से क्या होगा, लेस होगा। तो आपने लेस में दिखा दिया कि भाई ये चीज मेरे पास से गया है बट बैंक से कटा नहीं है, ठीक है, सिंपल।
फिर क्या बोला है, बैंक पेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दिया और आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, किसने पे किया, बैंक ने पे किया, और आपने क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करोगे आप लोग, रिकॉर्ड करोगे, मगर पैसा गया है तो क्या होगा, लेस, तो लेस में रिकॉर्ड करोगे। सिंपल है, चेक इशू टू सप्लायर्स 15,000 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च। ठीक है, आपने किसी को पेमेंट दिया है और अभी तक वो पेमेंट लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो ऐड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पेमेंट तो आपने किया है बट वो कभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, तो ऐड करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक। अभी इंटरेस्ट मिला है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड किया आपने, ऐड में किया है। ठीक है, फिर मिस्टर तन्मय, फिर बैंक चार्जेस दिया है 650 वाज डेबिट इनटू पासबुक। अब पासबुक में आपके डेबिट हुआ है बैंक चार्जेस, तो आपने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस डेबिट मतलब पैसा कटा है, तो आपने लेस में किया। सिंपल है, फिर लास्ट क्या बोला है, मिस्टर तन्मय आवर डेटर्स डायरेक्टली डिपोजिटेड 12,000 इनटू आवर बैंक अमाउंट मार्च टू वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब कैशबुक में आपने 12,000 क्या रिकॉर्ड नहीं किया है, किसका, तन्मय का, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना, ऐड करना पड़ेगा, तो आपने उसको ऐड में किया, तो जब पूरा आपने ऐड किया बच्चों, तो कितना आया है आपका, 35,000 ऐड आया है। सबसे पहले कितना था हमारे पास, हमारे पास था 57,400 हमारे बैलेंस कैशबुक में था, बट इतना चीज हम भूल गए थे, जब उसको ऐड किया हमने तो हमारा टोटल कितना 93,300 हमारा क्या हो गया, हो गया। अब बैंक के पास कितना भूल रहे थे हम लोग, 16,700 हमारे बैंक के पास भूल रहे थे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76,600। मतलब हमारे बैलेंस में, हमारे पासबुक के बैलेंस में कितना होना चाहिए, 76,600 होना चाहिए। इस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन प्रिपेयर किया जाता है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा रहा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को शेयर करना, और एक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट समझ लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन ऑन रखना, टेक केयर।